गिरजा जब छोटी थी तो एक दिन ऋषि नारद पहुंच गए मानचंद के नदी। उन्होंने देखा तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, आज आप हमारे दरवाजे पे आए। बोले बात क्या है, आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आती है। मानचंद कहते हैं, प्रभु मेरे घर में एक बेटी ने जन्म लिया। आप आई गई, बता दीजिए आचार विचार कैसे रहेंगे, आगे चल के क्या करेगी, और खास करके जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा। नारद कहते हैं, कहाँ है तुम्हारी लड़की, बुला। गिरजा को बुलवाया, लेकिन हुआ क्या, दूर से ही जैसे ही देखा, जैसे नारद ने एक बात कही है मानचंद, तो नारद बोले गिरिराज भक्त और ये कन्या नहीं भवानी है। जवाब दिया नहीं, तो साक्षात देवी है। हिमांचल बोले, महाराज जब कभी इसकी सुंदरता को देख के सोच तो हम भी ले रहे। चलो कोई बात नहीं, देवी है तो क्या हुआ, बता दीजिए आचार विचार कैसे रहे। नारद ने गिरजा का हाथ पकड़ा, एक बात कही, देखो हिमांचल देखने में तो सुंदर है, आचार विचार भी बड़े सुंदर है, थोड़ी सी बड़ी होगी तो ये वन में भजन करने के लिए जाएगी, लेकिन मौसम ठीक है ना। हिमांचल बोले, महाराज ठीक तो नहीं लग रहा। क्यों, क्या नहीं ठीक लग रहा भाई। अरे देखने में सुंदर है, आचार विचार भी बड़े सुंदर है, थोड़ी सी बड़ी होगी तो तप करने के लिए जाएगी, लेकिन ना मैंने कहा नहीं मौसम ठीक है। बोले सारी बातें छोड़ो, लेकिन को अर्थ बताओ। लेकिन कहेंगे रुक क्यों जाता हो, और कुछ शब्द है ऐसे, किंतु परंतु अगर मगर लेकिन, देखो बात के बीच में या बाद में लग गए, समझ लो सारी बात बनी बनाई है। तुम उदाहरण के तौर पे काऊ से साइकिल या मोटरसाइकिल मानो। बोले भैया ज्यादा दूर ना जाए, थोड़ी दूर जाएंगे अबे तुम्हारी लौटा रही दे, थोड़ी देर के लिए चाहिए मोटरसाइकिल। बोले मोटरसाइकिल तो बिल्कुल सही, कोई बिल्कुल कमी ना है, कल्ली नहीं, ट्यूटा दरवाए लाए, पेट्रोल भी है, बिल्कुल कोई कमी ना है, लेकिन समझ में वो मिले ही नहीं। बोले हमें लेकिन कार बताओ, जब आप दिया बस यही तो कमी है क्या।
जवाब दिया है हेमंत भाई, जिस लड़के के साथ में शादी होगी उस लड़के के आचार विचार कुछ भगवान शंकर से मिलते जुलते हैं, पूरी बात उधर भी नहीं गई। नारद तो चले गए इधर आंगन में, धीरे 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 गिरजा जो थी ये कुछ और बड़ी। एक दिन गिरजा ने अपनी माँ से एक बात कही, मैया हाँ, बोले मेरी ये इच्छा है मैं वन में तप करने जा। तो मैना रोने लगी, बोले बेटी अगर तप करना है भजन करना है तो घर में करो, वन में क्या है, मेरे घर में दो चार लड़कियां तो है नहीं, अकेली तुम हो और तुम भी अगर चली गई तो भला मैं इस घर में कैसे रहूं। हेमांचल भी सामने पहुंच गए, बोले मैना भक्त और भगवान के बीच में तुम क्यों दीवार बन रही। जैसे नारद ने हमें बहुत दिन पहले ही बता दिया था अगर गिरजा जा रही है तो जाने दीजिए, आज्ञा दे दी। गिरजा जंगल में पहुंची, भोले बाबा के नाम की माला जपने लगी। एक बात सोची है, हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ, इस जन्म में मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर जन्म लूंगी फिर तपस्या करें, फिर भी विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर जन्म लूंगी, लेकिन शादी भोले बाबा के साथ। गिर जा जो थी गिरजा, और गिरजा ने एक बात सोची क्या, चाहे हो नाम की माला जप, बाकी नाम की माला जप रही है। और गिरजा के पास में एक दिन सप्तर्षियों का आना हो गया, देखा गिरजा घर परिवार को छोड़ के आ पड़ी है, किसके नाम की माला जप रही है। सामने पहुंच गए, एक बात कही, बेटी गिरजा तुम अपने माता पिता को छोड़ के घर परिवार को छोड़ के या जंगल में किसके नाम की ये तपस्या कर रही है। तो गिरजा बोली तुम्हें क्या मतलब, बोले नहीं मैंने पूछा है तो बता दीजिए। तो गिरजा कहती है अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बताऊं कि कोई ऐसा अनुराग Thank you.
सत्तर जी बोले मेरी तो समझ में ही नहीं आया भाई, तुमने नाम नहीं बताया, नाम क्या है तो गिरिजा बोली। और मैं उन्हीं के साथ में शादी भी करना चाहती हूं। और जैसे ही भोले बाबा का नाम सुना, सप्तर्षि ताली बजा के हंसने लगे। गिरिजा बोली, पहले तुमने हमसे पूछा, मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम मेरी मजाक उड़ा रहे हो, हंसे क्यों? सप्तर्षि बोले, मेरी समझ में एक बात ये नहीं आई गिरिजा, भला तुमने भोले बाबा पर देख क्या लिया? क्या हाँ, क्या है इनके पास? बोले तुम्हें नहीं मालूम, कुछ भी तो नहीं है कि घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, और गांव में मैया तो भी नहीं, परिवार है हाँ। और देख लीजिए, स्त्री को तो बहुत खिलौना समझते, सती जी से कितना बड़ा हिस्सा, कितना बड़ा प्यार था, जाते थे साथ में, जाते थे खाते थे साथ, खिलाते थे, लेकिन जरा सी भूल बन गई। किसी दूसरे देवता के नाम की माना जाता। गिरिजा बोली, तुमने हमसे पूछा इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, भाई हमने तुमसे सलाह तो नहीं मांगी थी, आप यहां से जाते हो या नहीं जाते? सप्तर्षि बोले, हमें क्या मतलब है, मैं तो जा रहा हूं, चलेंगे। इधर गिरिजा तपस्या में फिर लीन हो गई, लेकिन तब तक क्या हुआ, एक तारक नाम का राक्षस बैठा हुआ दिन प्रतिदिन देवताओं को सताने लगा। देवता दुखी होकर के ब्रह्मा जी के सामने रोने लगे, कहा प्रभु तारक को मारने का कोई हमें उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अभी तारक को मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। क्या मतलब, क्या तारक अमर है? बोले अमर तो नहीं है, लेकिन इसे भगवान शंकर का लड़का ही मार सकता, अभी तो भोले बाबा समाधि में लीन है, पहले उनकी समाधि खुलवा, उसके बाद में शादी करवा, ताकि बाद लड़का होगा तब इस तारक नाम के राक्षस का वध होगा। उस देवता बोले, प्रभु कोई और ही उपाय बताओ। क्यों? अभी तो भोले बाबा समाधि में लीन है, पहले उनकी समाधि खुलवाए, ताकि बाद शादी करवाए, ताकि बाद
कौन खड़े का हो और तो ले को देवता ना बचे। बोले और तो कोई उपाय है? अब भोले बाबा की समाधि खुलवाने जाए कौन? अगर कोई गया इन्हें क्रोध आ गया तो वो जल के राख हो जाए। कोई तैयार नहीं हुआ तो कामदेव कहने लगे मैं जा रहा हूं। अपनी पत्नी रति को अपने साथ में लिया और कामदेव जब वहां से चले कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे हैं काम ने सारी लीला दिखाई। बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प झूल रहे हैं, झरने अरे वो भी झरने लगे। काम ने जब लीला दिखाई तब माया दिखाई। भोले बाबा के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा और जब कोई असर नहीं पड़ा सोचा अब क्या करें, समाधि कैसे खुलवा। पत्नी रति को अपने नजदीक बुलाया और एक बात कही, ऐसा करो तुम धनुष बन जाओ। रति को धनुष बनाया, वो धनुष अपने हाथ में लिया, भोले बाबा की तरफ निशाना साधा। हुआ क्या? भोले बाबा की जब मान लगा नेत्र भी खुल गया जिसमें से ज्वाला निकली कामदेव के ऊपर बड़ी। कामदेव जल की राख हो गया। पत्नी रति ने देखा तो भाग करके सामने पहुंच गई। जवाब दिया, प्रभु ये आपने क्या किया? आपने तो मेरे पति को ही जला दिया, अब हम क्या करें, कहां जाएं? तो भोले बाबा समझाने लगे, रति तुम रुआ नहीं, तुम्हारे पति अभी तुम्हें दिखाई नहीं देंगे और तुम्हारे पति से तुम्हारी दुआ भर में भेंट होगी, इतने दिन का तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। और रति को समझा करके हट नहीं पाए। तब तक क्या देखा, चारों तरफ से देवता ही देवता नजर आने लगे। बोले बाबा बोले क्या बात है, सब लोग हमारे पास दायगो आ रहे हो? और तो कोई नहीं बोला। ब्रह्मा जी ने धीरे से बात चलाई, प्रभु कहिए जब से सती जी खत्म हुई आपने शादी का तो बिल्कुल नाम ही नहीं लिया। बोले बाबा कहते हैं देखो ब्रह्मा जी सारी बात करो, शादी की बात ना करो। क्यों? बोले अभी शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? अरे लोग शादी कर लेते हैं ना फिर हम भजन भी नहीं कर पाते।
नहीं कर रहे। और देवताओं ने जब जाते कहा तो बोले बाबा बोले तुम सब लोग तो कह रहे हो, भला मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, मेरे साथ शादी करेगा कौन, कौन करेगा। और तब तक भाई सप्तऋषि सामने पहुंच गए, बोले प्रभु मैं बताऊं, आपके नाम की माला जप रही है हिमाचल की लड़की गिरजा, शादी करना चाहती है। तो बोले बाबा बोले तुम वैसे तो ना रहोगे, धोखा में कौन नाम निकलेगा। अरे दोबारा जाओ पूछ के आप शादी करेगी या नहीं। सप्तऋषि गिरजा के नजदीक पहुंचे, एक बात कही लड़ी गिरजा, अरे मैं तो पहले ही कहा तो गिरजा बोली उस दिन तो हमने तुम्हें बड़ी मुश्किल से भगा पाया, दोबारा फिर चले आए, अभी तो कामदेव खत्म हुआ है, चाहिए सारा संसार क्यों ना नष्ट हो जाए, लेकिन हम शादी करेंगे। तो भोले बाबा के साथ सप्तऋषि बोले हैं कि भोले बाबा ने तो हमें भेजा है क्या, हाँ तुम घर पर जाओ बारात लेके आ रहे। गिरजा को घर पर भेज दिया। जैसे नारद ने हिमांचल को खबर दी है कि गिरजा की शादी की तैयारियां कर लो, मैं बारात लेके आ रहा। इधर गिरजा की शादी की तैयारियां होने लगी, कैलाश पर्वत पर देवियां पहुंच गई। जवाब दिया प्रभु कैलाश पर्वत पर तो कुछ है ही नहीं, दूल्हा हम अगर तुम्हें बनाए हूं तो कैसे बनाए। बोले बाबा बोले तुम दूल्हा ना बनाते, दूल्हा तुम खुद ही बन गए, लेकिन हमारी सामने में जना हरि कम बरातर करने लगे। फिर बोले बाबा कैलाश पर्वत पर खड़े हुए सब भूतों को सुनाए कि एक बात कही, भैया तुम सब लोग हमारी बरात को चलोगे। और जैसे ही भूतम ने सुनी सुबह मारे खुशी के नाच उठे, बड़े दिल में नंबर लगो बना। बराती लोग रह गए थे, अगर एक ही तरफ देखो तो पूरे शरीर पे आंखें ही आंखें रहे, कान रहे, दूसरे की तरफ देखो तो पूरे शरीर पे कान ही कान रहे, उनके आंखें रहे। अगर धर है तो सर नहीं है, सर है तो धर नहीं है, वो सर ही लड़का तो वो बड़ा तुम जान के तैयार। छोटे छोटे बच्चों का वेश धारण करके शुक्र और शनि चलन चल, बराती लोग बड़े खुश हैं। तुम तो खैर ज्यादा दिन पहले की बात है, आजकल अगर जब मालूम पड़ जाए कि फलानी तारीख को बरात गए तो 15 दिन पहले से ही सज उठता है, कौन सी पैंट पहन के जाए बरात। अब वो बरात पे जाती अब तो कुछ कहो ही ना। भगवान श्री राम की बरात जनकपुर में 74 दिन तक रुकी,
बच्चों ज्यादा दिनों पहले की बात है, बड़े बूढ़े लोग बताया करते हैं कि कुछ दिन पहले जब बारात जाती तो बारात तीन दिन बाद लौट के आती। माफ करें मैं तो घर नहीं गया था, बताते हैं कि जब बारात जाती तो बारात तीन दिन बाद लौट के आती। जब से बारात जाती तो सतुआ धरे लगे चले जाते आराम से खाता है, और बाद से बारात लौट के आती तो कदुआ पूरी धरे लाती। और अब अगर तीन घंटा बारात रुक गई समझ ले बहुत रुक गई। क्यों? क्योंकि सब वीआईपी लोग जाता करा था, दशा तो देखी हुई है। अरे इनका झुका हो ही ना, मैं अपनी बताऊं दूसरे की नहीं। एक दिन हम गए बारात में, घर से तो ना जा पाते हैं, घर से नंबर लगा दिया, बोले अब तुम्हें जाना है। मैंने कहा मैं जा रहा हूं, अब बारात में जा रहे थे तो मैंने सोची बारात में जा ही रहे थे, मांग के बड़ो अच्छे वहां पड़ता पहन गए हम। और जब बारात में पहुंचे बड़े वीआईपी व्यवस्था में ठाने ठाने खा, कोई पर्सन भावना है, तो हमने बड़ी मुश्किल से तो प्लेटें जो निपाई की प्लेटें धरी कहां है। मैं बिल्कुल सच बता रहा, मेजर सब सामान लगो रहे, धक्का मारे कि जो पहुंचो करें तो सब खत्म, सोई लौटे आप करें बहुत देर रहेगी, जातर बातर घूमत घूमत खान के कचरा में बेचारे बड़े बूढ़े लोग दूर खड़े रहे। वहां हम खड़े रहे, मैंने की बाबा तुम्हें कुछ खा के लिए मिलो, बोले हाँ हाँ हम तो तब से खा रहे हैं। मैंने की क्या खा रहे हैं, खाली प्लेट हमारी तरह तुम पकड़ क्या खा रहे हैं, बोले लला यहाँ धक्का के अलावा है कहा से धक्का खाता है। और जब बीआरपी के चक्कर में बड़े बूढ़े को तो नंबर ही ना लगता था, अब नशा तो देखी हुई, अगर प्लेट मिली गई बैंक सलाद रोटी पूरी दाल पनीर और चावल छोले अरे जो कुछ मिला जे ऊंची भाई ऊपर हाथ कर लिया निकल लिए। बनाती लोग सब सही आ गया, देविया कहने लगी प्रभु दूल्हा कैसे बनाए, तो भोले बाबा बोले तुम दूर बैठी बैठी हमें बताओ कौन सी चीज की जरूरत है। जब आप दिया प्रभु दूल्हा जब बारात में जाता है तो सबसे पहले हल्दी कराई, हल्दी कहां से ना सोची कैलाश पर्वत पे और सो हल्दी कहां रखी है, हल्दी के बदले में भोले बाबा ने पूरे शरीर से भस्म लपेट ली। और बोलो बोले प्रभु दूल्हा जब बारात में जाता है तो हाथ में कंगन हो तो कंगन कहां से लाओगे। देखत रहे फ्रिकादे की सामने से पतली सी नागिन जा रही, पकड़ी हाथ में लपटेरी ऊपर से कालो बाबू बिच्छू धल्लो वो कंगन बने। और बोलो बोले प्रभु दूल्हा जब बारात में जाता है तो सर पे मोहर हो मोहर कहां से लाओगे। कादे की भोले बाबा ने सामने से बड़े फन वालों एक नाग जाए दो पकड़ो सर पे लपटे रो फन सीधो करवाए दो मोहर बने गो क्या दशा थी। बिना गिनिया सुगर भोले बाबा नंदी पर सवार है ऋषि नारद की बारात में जा रहे हैं, और भूत जो है बड़ा उदम करें पीछे से हो कर तो भय जा रहे न
नारद कहने लगे प्रभु के नहीं रोकते आपने, ये तो बड़ा उत्तम करें। और भोले बाबा ने पीछे मुड़ के देखो भूत सब साथ, और जैसे ही आगे को मौ करो पीछे से भी फिर हो कर, फिर पीछे मौ करके देखो भूत फिर साथ, फिर आगे को मौ करो अब कौर तेजी सो कर। सोची अब जे ऐसे मानेंगे ना, पहले तो नंदी पे आगे को मौ करके बैठे थे, फिर वे पीछे नहीं को मौ करके बैठे थे, अब और अच्छी लगी उठे। हाँ बरात जो रहे धीरे धीरे आगे बढ़े, छोटे छोटे बच्चों ने कि बारात आई है, हम घर से बड़ी तेजी से भागे बारात देखने के, लेकिन बारात के नजदीक ना पहुंचे। दूर से जैसे ही भूत देखे तो जितनी तेजी से घर से भाग के गए थे उतनी तेजी से फिर भागे घर की तरफ, अपने अपने मैया के सामने पहुंचे। बोले मैया हाँ ऐसी बारात हमने कहू देगी ना, क्यों वो पूरी बारात में तो भूत ही भूत है। सो सबने अपने अपने दरवाजे बंद कर ले, क्यों सोची भूत को बारात में से निकल के घर में ना घुसू चलूंगा। बाबू का
बड़ी खुशामद भाई, मतलब ऐसा थोड़ी भाव के भूतन को खुशामद भाई तो, लेकिन भाई दूरी दूर से चार छह खेत दूरी पे सामान रख देता है और भाई साहब आज लगाता है भैया अब मिलके खा लियो हमको दे चले। शाम को समय बहु दरबाजी को, और जब दरबाजी को समय बहु जैसे नारद सामने पहुंच गए, बोले प्रभु अब तो थोड़े सुधर जा, अब आप दरबाजे पे जा रही हो सब लोग देखेंगे तो भला क्या कहेंगे। बोले बाबा बोले कैसी बातें कर रहे हो, अरे हम जैसे हैं वैसे ही तो रहेंगे। दरवाजे पे जब पहुंचे उधर गिरजा की सहेलियों ने ये सुन लिया कि दूल्हा दरवाजे पे है तो आरती उतारने के लिए चली। एक लड़की बोली पहले गिरजा से मिल लो उसके बाद में चले। गिरजा के नजदीक पहुंची, जवाब दिया बहन कहिए। बोली मैं आरती उतारने जा रहे। तो गिरजा बोली जरूर जा। क्या बोली तुम्हें नहीं मालूम जरूर। अब गिरजा की सहेलियां जो रहे बोले बाबा की आरती उतारने के लिए आगे बढ़ी, ज्यादा नजदीकों ना पहुंची। एक लड़की की नजर भोले बाबा के ऊपर पड़ी, सुबह पीछे को हट चली। बोली तुम्हें आरती उतार, मैं तो बिल्कुल नजदीक नहीं जा सकती। क्यों? बोले का दिखाई ना पड़ता है का पूरे शरीर से काले काले नाग और बिच्छू चिपटे हैं, नाग से बड़ो डर लगते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। दूसरी लड़की बोली पागल है जी, मतलब बेनाग थोड़ू है जो खेत में मिल रहा है, और ये पालतू नाग है, पालतू नाग रिश्तेदार से ना बोलता। वो बोली तुम्हें आरती उतार, जे नाग है तो इन्हें ना मालूम रिश्तेदारी होती का, हम नहीं उतारे। अब तो कहो मैं आरती ना उतारे। गिरजा की माँ मैना के नजदीक पहुंची और जवाब तो नहीं है। ये तुमने क्या किया? क्यों? अरे कहा गिरजा कहा भोले बाबा पूरे शरीर से नाग और बिच्छू चिपटे हैं, उतना गिरजा को अगर धोखों में हाथ रखी गो समझ लो भाई देना सब खेल समाप्त है। और लड़कियां बोली मैया हम तुम्हें क्या बताएं,
सजादार चले गए तो महीना डेढ़ महीना बस। और जैसे ही इतने शब्द सुने सो मैं ना रोई का बुला दी जैसे थे नारद पर उनके कहने के अनुसार मैंने शादी के लिए आवरी। नारद सामने पहुंच गए मुझे बुलाया तुम्हें बुलाया लेकिन काहे को बुलाया ये बना वापस ले जा लेकिन क्यों मैंने कहा नहीं वापस ले जाइए हमें शादी नहीं करनी है लेकिन करनी क्यों नहीं मैंने कह दिया ना जवाब दिया है ये बारात ले जाओ मुझे शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। नारद बोले तुम चाहे हजार बार कहो तुम्हारे कहने से हमें ये बारात वापस थोड़ी ले जाएंगे। और गिरजा केवल एक बार कह दे बस तो हम ये बारात वापस लिए जाएंगे हम किसी को भी नहीं पूछेंगे। अब तुरंत ही मैं ना भागी गिरजा के नजदीक पहुंची नजदीक बैठा लिया बेटी आप देखो मैं तुम्हारे भले की कह रही हूँ। अरे कहाँ तुम अब कहाँ बोले बाबा तुम सिर्फ एक बार मना कर दो बस बड़ा तो फिर हम वापस कर दे। समझाने लगी बेटी ओ Thank you.
मैं ना जान से रोई रही कैसे उनके बना तो पाप से चली जाए और गिर जा जान से रोई रही कौन जब बना तो पाप से चली जाए तेरी को बात नहीं देखो मैया दरवाजे पे बारात रुकी है और दरवाजे से अगर बना तो वापस चली गई तो इसमें कितनी बड़ी तौहीन होगी अब जो भी है जैसे भी है इन्हीं के साथ में मेरा विवाह कर दो तो मैं ना बोली हम तो तेरा रोई मरी जाती है तुम अगर कह रही तो हमें क्या होगा विवाह हुआ विवाह हुआ लेकिन हिमाचल को थोड़ा बीमार हो गए अभिमान ये हो गया मैंने भोजन तो बहुत बनवाया ये जरा जरा से भूतों को लेके चले आए लेकिन जब अभिमान हो जाता है किसी भी बात का सही तो देखो भगवान का भोजन ही अभिमान है अभिमान तो नहीं करना चाहिए दिमाग में एक बात आई क्या इसी बात को लेके हो गया जरा से भूतों को लेके चले आए भाई मैंने भोजन तो बाप बनवाया कौन खाएगा इतना बोले बाबा समझ गए बोले अब इन्हें थोड़ा दिखा भी दे हाँ। इनकी बारात में दो छोटे छोटे बच्चों का वेश धारण करके शुक्र और शनि चढ़ गए बोले बाबा ने खाना कर दिया दोनों रोए उठे भूख की वजह से पूरे चलमासे में लोटी डाली हिमाचल से एक बात गई देखो हम बारात वाले लोग हैं ना बाद में खाते रहेंगे ये दोनों बच्चे बड़े भूखे हैं पहले आप इन्हें भोजन करवा दो और हिमाचल को बड़ी गुस्सा आई दोनों को हाथ पकड़ो एक नौकर को दे दिए और इस सारी बारात में कोई शोर नहीं मचा रहा लेकिन इन्हें बड़ी तेजी से भूख लगी इन्हें लेना इन्हें भोजन करवा अगर ना खाए तो आंखें दिखाओ फिर भी अगर ना खाए तो मार मार के खवाओ ले लो
नौकर लेके गए। जौन से कमरा में सब सामान भरो रहे, बस बाकी नंदी कई बैठा रहे, बाकी गौ पत्तल और डबुआ लेके आओ। पत्तल और डबुआ जैसी परसी दोबारा फिर गौ सो पानी बाओ सागर लेके आओ। सुबह ने कहा देखी वहां ना पत्तल ना डबुआ के थोड़ा गई ना सोची अबे तो मन पर के गए और पानी वाल सागर रख के दोबारा फिर गौ फिर पत्तल और डबुआ लेके आओ। कहा देखी पानी वाल सागर ही गए बड़ो परेशान। फिर माने एक को खड़ो करो, बोले तू यहां खड़ो खड़ो चते कर रहा, ये सब चीजें चली कहां जाती। एक सब सामान सर पे ला दिला, पूरी परसी दूध परसी कछो ही ना, चार चार फिर ना कछो, फिर छह छह फिर आठ आठ फिर दस दस फिर बीस बीस और फिर वे पूरे डला के डला ही को। अब गिनती कौन है कर परसन बाजु रहे भू तो फिरंगी बनो, बाकी कमरा में घुस जाए फिर टार जाए फिर कमरा में घुस जाए फिर, और जब ज्यादा परेशान भाव समय घुसना है दोनों को हाथ पकड़ो तो भाई कमरा में थके थे ले मरो जाए में खा बाद दरवाजे बंद। थोड़ी देर के बाद में जब दरवाजे खोलो तो कमरा में रहो का सुना है, लेकिन भूख से चिल्ला तो कभी रहे जितने पहले चिल्ला। सोई हिमाचल समझ गए बोले बाबा के नजदीक पहुंचे, बोले माफ करो ये अपनी मेहमा समझ दो। तुलसी के दो पत्ते दिए ले जाके जर्सी खिलाए, जो भूख से चीख रहे थे चिल्ला रहे थे वो शांत होते। जलवासे में भेज दिया, दोबारा फिर भोजन बनवाया गया तो हिमाचल सामने पहुंचे, बोले भैया माफ करना घर में थोड़ी अड़चन हो गई थी इसलिए हमने आप लोगों को भोजन नहीं करवा पाया, अब आप सब लोग चलो और भोजन कर लो। जैसे ही भूतन ने सुनी सुने बाबा के बड़ी देर में नंबर लगो भोजन लो। अब जो सोच रहे हैं ऐसी जगह पर बैठो जब प्रसन्न भाव पहली बार हमारे नजदीक से ही निकल के जाए। भोले बाबा बैठे रहे उनके एक तरफ तो ऐसे बैठ गए कि उनके आंख ही तो रहे लेकिन कान न रहे बैठे, दूसरे तरफ ऐसे बैठ गए कि उनके कान तो रहे आंख ही न रहे अंधे। तो बड़ा तो थी उनकी कैसी परोसी गई पूरी कचौड़ी लड्डू रसगुल्ला यानी वगैरह वगैरह जो कुछ बनवाया। हम भूत जो सोच रहे जल्दी जल्दी है भाई आओ के बाद में तो सर समय दो अंदर तो गांव में चला लो। अच्छा भोले बाबा बैठे रहे बस भाई थोड़ी भी गर्म लगी कैसी दो रसगुल्ला ढूंढी रहो
बड़े हर्षोल्लास के साथ में सबने भोजन किया है। विवाह जब हुआ है तो वहां से गिरजा को साथ में लेके भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर आते। एक बार भोले बाबा और गिरजा बैठे थे तो देवताओं ने आवाज लगाई, प्रभु अब हमारी रक्षा करो, ये तारक नाम का राक्षस अब हमें जीने नहीं देगा। भोले बाबा और गिरजा को क्रोध आ जाता है, तब इनके क्रोध से कार्तिकेय नाम का लड़का उत्पन्न हुआ और उन कार्तिकेय के द्वारा तारक नाम के राक्षस का बदला।